दोस्तों बेंगलोर से ट्रेन में मैं रामनाथपुरम तक तो आ गया। यहाँ से अब आगे की तरफ जाने के लिए बस का ऑप्शन है और ऑटोज का ऑप्शन है, तो मैं वही फिगर आउट कर रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आगे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से फिर रामेश्वरम 30 से 40 किलोमीटर और आगे पड़ता है। ट्रेन आगे नहीं जा पाई क्योंकि पंपन में कुछ काम चल रहा था, इस चक्कर में मुझे अब ऑटो या बस से जाना पड़ेगा। वैसे तो रामेश्वरम में भी एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हैं तो आपको रामनाथपुरम उतरना पड़ेगा। वहाँ से आप डायरेक्ट बस या ऑटो लेके भी जा सकते हैं। बस का किराया आपको पड़ेगा 50 से लेकर 100 रुपये तक, और ऑटो वाला आपसे चार्ज करेगा अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1000 रुपीज़ तक। तो मैंने तो चूज़ किया ऑटो का ऑप्शन, क्योंकि ऑटो में सफ़र करने का एक अपना अलग मज़ा था, क्योंकि जो नज़ारे थे, जो व्यूज़ था वहाँ पर, वो एक अमेजिंग ही था। और 30 किलोमीटर का सफ़र कैसे निकल जाता है आपको मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि रामनाथपुरम से रामेश्वर अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ से आपको पहुँचने के लिए 1 घंटा लगेगा। और रास्ते में पड़ेगा पंबन ब्रिज। जी हाँ, ये वही ब्रिज है, वही फेमस ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर से निकलता है। इसका भी एक अलग एक्सपीरियंस लेने का मज़ा है, लेकिन मैं नहीं ले पाया, इसलिए दोबारा कोशिश करूँगा वहाँ जाने की। लेकिन अगर आप जाएँ तो आप रामेश्वरम तक की ही टिकट करें। और ऑटो से जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि ऑटो वाला आपको बिल्कुल मंदिर के गेट पर उतारेगा। तो मंदिर पे उतरते या तो आप पहले होटल में चेक इन कर सकते हो, जो कि वहाँ पर आपको रीज़नेबल रेट पे मिल जाएगा, और या फिर मेरी तरह पहले खा सकते हो। तो मैं तो रात भर का भूखा था, इसलिए सबसे जाके पहले वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इडली मैं ट्राई करता हूँ, जो कि मात्र 25 रुपये की थी। और यकीन मानिए, मेरी आज तक की सबसे टेस्टी और यमस इडली मैंने वहीं पर खाई थी। ये है बिल्कुल रामेश्वरम गेट नंबर 4 के बगल में एक साइड में शॉप है जहाँ आपको मिलती है, ये आप बिल्कुल मिस मत करना खाना। जब मैं रामेश्वरम के अग्नि तीर्थ में स्नान करने निकलता हूँ तो मन में एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। वहाँ का वातावरण जैसे कि समय थम गया हो। पवित्र जल में डुबकी लगाते ही हर एक बूंद के साथ मुझे अपने भीतर की सारी चिंताएं बहती हुई महसूस होती हैं। 22 कुंडों का यह अद्भुत स्थान केवल स्नान के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए है। यहाँ के जल में एक अलौकिक शक्ति है जो न केवल शरीर को बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। जब मैं कुंड में उतरता हूँ तो लगता है जैसे मैं अपने पूर्वजों के साथ जुड़ रहा हूँ। यह स्नान केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। हर एक कुंड का अपना महत्व है, और मैं हर एक में डुबकी लगाकर अपने जीवन की सारी बुराइयों को धोने की कोशिश करता हूँ। ये अनुभव एक नई शुरुआत की तरह है। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद दोस्तों मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। मंदिर में भी 22 कुंड है, यहाँ पे स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद कुंडों में अंदर दर्शन करेंगे। ये सामने है रामेश्वर मंदिर, और आगे ये है अग्नि तीर्थम। यहाँ पर स्नान करने की बहुत मान्यता है, कहा जाता है कि 22+1 वो एक अग्नि कुंड अग्नि तीर्थम ही है। और यहाँ पर लोग अपना पिंडदान करने के लिए भी आते हैं, जैसे कि हरिद्वार की तरफ जाया जाता है। रामेश्वरम एक अद्भुत धार्मिक स्थल तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसकी ऐतिहासिकता का आरंभ रामायण काल से होता है, जब भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका जाने से पहले यहाँ पूजा की थी। मंदिर का निर्माण विभिन्न शासकों द्वारा किया गया, लेकिन मुख्य रूप से चोल और पल्लव राजवंशों का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ की वास्तुकला अद्वितीय है, जिसमें भव्य गोपुरम और विस्तृत प्रांगण शामिल है। मंदिर के अंदर की मूर्तियां और चित्रण धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी आस्था और भक्ति के साथ। यह स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। और दर्शन करने के बाद बारी थी प्रसाद ग्रहण करने की, जिसके लिए आपको पहले टोकन लेकर लाइन में लगना पड़ता है। और यकीन मानिए, अंदर का जो प्रसादम होता है इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट होता है। और मैं पहली बार रसम ट्राई करता हूँ। वहाँ पर बिठा के केले के पत्तों पर आपको प्रसाद ग्रहण कराया जाता है, और जो एक अलग एक्सपीरियंस है, आप ये बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद और इसी के साथ मेरे सातों ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे होते हैं। तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद और फेमस प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैं निकल जाता हूँ धनुषकोडी की तरफ, जहाँ जाने के लिए आपको रामेश्वरम से ही एक ऑटो हायर करना होता है। लेकिन एक पर्सनल सजेशन है, आप ऑटो में मत जाना, वरना ऐसी हालत हो जाएगी। आप ऑटो की जगह कैब कर सकते हैं, और अगर आप ऑटो में जा रहे हैं तो प्लीज़ ऑटो वाले से रिक्वेस्ट करना कि वो साइड से ढक दे उसको।
और ऑटो वाला आपको रास्ते में पड़ने वाली हर फेमस चीज को दर्शन कराता है, टूरिस्ट स्पॉट पर रोकता है, जैसे कि ये मंदिर जहाँ पर राजा राम ने लंका में विजय प्राप्त करने के बाद राजा विभीषण का राजतिलक करके उनको राज्य सौंपा था। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप ऑटो लेके मत जाना, कैब कर लेना या ऑटो के दरवाजे लगा लेना, जो भी पर्दे वगैरह होते हैं, क्योंकि पूरी धूल धूल हो जाएगी, पूरे बालों में, पूरे मुंह में, पूरे आंखों में, पूरे कपड़े में धूल हो जाएगी। खैर आई नो इस वीडियो में पूरा कुछ खास था नहीं, छोटी मोटी क्लिप्स को ऐड करके मैंने वीडियो बनाई है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक एक कॉमेंट छोड़ के जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वी आर जस्ट 12 सब्सक्राइबर अवे फॉर हिटिंग 1K, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।